नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल AKH अमिता में। आज मैं आपको सर्दियों में ठंड से बचने के 15 आसान घरेलू उपाय बताऊंगी। पर उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और अलाव जलाते हैं, पर ठंड के असर से बचने के लिए शरीर का बाहर के साथ साथ अंदर से भी गर्म होना ज़रूरी है। हम अपने भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे शरीर हमारा गर्म रहेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ठंड और सर्दियों में होने वाले बीमारियों से बचने के लिए क्या घरेलू उपाय करें और सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या क्या खाएं। उपाय नंबर एक, शहद शरीर को कई प्रकार के रोगों से दूर रखता है और ज़रूरत पड़ने पर बीमारियों के उपचार में भी सहायक है, इसलिए शहद को आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है। सर्दियों में शहद का सेवन करने से शरीर का इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहता है और साथ ही पाचन क्रिया भी बढ़ती है। सर्दी जुकाम हो गया हो तो रात में सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं। उपाय नंबर दो, गांवों में लोग बाजरे के आटे से बनी रोटी को बहुत पसंद करते हैं। बाजरे की रोटी खाने से भी शरीर में गर्मी आती है। बाजरे के बनी रोटी में प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे हैं। बच्चों को सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बाजरे की रोटी खिलाएं। उपाय नंबर तीन, सर्दियों में ओमेगा 3 का सेवन करना एक अच्छा उपाय है। मछलियों में ये भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा मछलियों में जिंक भी पाया जाता है जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शरीर कई प्रकार की बीमारियों से बचा रहता है। उपाय नंबर चार, सर्दियों में कोल्ड कफ से राहत पाने में सूप का सेवन काफ़ी फायदेमंद है। आप वेज और नॉन वेजिटेरियन कोई भी सूप पिए, बस इतना ध्यान रखें कि वह ताज़ा हो। उपाय नंबर पाँच, खाने में अदरक के प्रयोग से डाइजेशन अच्छा होता है और शरीर को गर्मी भी मिलती है। किसी भी तरीके से अदरक का सेवन बॉडी को ठंड में होने वाली बीमारियों से दूर रखता है। उपाय नंबर छः, ठंड से बचाने के लिए खजूर का सेवन भी फायदेमंद है। खजूर गर्म दूध के साथ खाने पर सर्दी से राहत मिलती है। उपाय नंबर सात, लौंग, तुलसी, काली मिर्च और अदरक की बनी हुई चाय पीने से ठंड में राहत मिलती है। खांसी और सर्दी जुकाम से छुटकारा पाने में भी ये उपाय असरदार है। उपाय नंबर आठ, मूंगफली में मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। सर्दी में मूंगफली खाना काफ़ी फायदेमंद है। उपाय नंबर 10, तिल के तेल से मालिश करके ठंड से बचा जा सकता है। उपाय नंबर 11, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शरीर को अंदर से ठंडक देती हैं, इसलिए सर्दियों में उन्हें खाने से बचना चाहिए। फलों में मौसमी और संतरा खाने से सर्दी और जुकाम होने की संभावना होती है, अतः इससे परहेज करें। उपाय नंबर 12, ठंड से बचने के लिए अजवाइन की चाय और अजवाइन का पानी पिएं, इससे ठंड नहीं लगेगी। आप अजवाइन को तेल में खौलाकर इसकी मालिश भी कर सकते हैं, इससे भी आप ठंड से बचेंगे। उपाय नंबर 12,
यदि आपको ठंड लग गई है तो आप अजवाइन का सत एक गेहूं के दाने के बराबर खा के गुनगुना पानी पी लें, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगा। उपाय नंबर 13, यदि किसी को ठंड लग गई हो तो आप प्याज का रस गर्म करके पिला दें, तुरंत आराम मिलेगा। उपाय नंबर 14, ठंड में हल्दी दूध का सेवन करना लाभदायक होता है। उपाय नंबर 15, ठंड से बचने के लिए प्रतिदिन गिलोय का काढ़ा पिएं, इससे आपको ठंड का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। यह रामबाण इलाज है। ठंड से बचने के लिए काढ़ा बहुत असरदार उपाय होता है। मैंने काढ़े की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।